जय हिंद गाइज। आज हम जो है पीजीटी की जो का जो सिलेबस होता है उसको जो है करेंगे और उसकी जो है तैयारी करेंगे। इसमें कुछ आईटी मेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी जो है बुक्स जो है चैप्टर वाइज बाज़ार में जो अवेलेबल हो उनको जो है खरीदना है, ठीक। और उनसे चैप्टर वाइज पढ़ना है, पेपर वाइज नहीं, ठीक है। और इसमें से कुछ हम बेसिक जो है समझेंगे, जो पहले जो इसमें पूछा जाता है कुछ बेसिकल चीज़ें जो हैं पीजीटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो इसमें से फर्स्ट जो पॉइंट है ना, उसको हम जो है समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट और इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें 30% जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से पूछा जाता है, 70% इंटर लेवल से पूछा जाता है। तो मॉडर्न एल्जब्रा और जो है लीनियर एल्जब्रा, इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब हम जो है करेंगे और इसे हम 2 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो इसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में जो समझेंगे, तो हमारी राइटिंग पर थोड़ा न जाना और कुछ मिस्टेक हो तो उसमें थोड़ा ध्यान न देना। बस आपको बेसिक जो है समझना है। बेसिक में इसमें फर्स्ट स्टेप आता है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 है ना। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू टू और ये उधर ट्रांसफर होगा तो -1, ठीक। सो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या गया 1, ठीक। फर्स्ट स्टेप बेसिक है, अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले हम जो बेसिक समझेंगे इसमें। तो इसमें जो है ये हमारा एक इक्वेशन है कि नहीं है, अगर हम यहाँ जो है ये हमारे एक्स की वैल्यू आई हो क्या है 1, अगर हम इसको यहाँ रखते हैं 1, तो अगर हम कोई भी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। हमारे पास ये जो है इक्वेशन है और हमारे पास ये एक्स की वैल्यू 1 आई है, और अगर इसको हम यंग 1 जो है यहाँ पर पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारी ये इक्वेशन है ना। सो अगर देखो यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 1 2, तो ये जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है ना। सो दिस इज ए इक्वेशन, ये हमारी एक जो है इक्वेशन है, ओके। और ये आप 9th 10th में खूब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें से जो जितने जो है वेरिएबल का जितने जो है घात होगी है ना, उतने उसके रूट्स आएंगे। तो इसमें जो है ये हमारा 1 जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वो 1 घात वाला इक्वेशन है। सो इसके जो रूट आया हो क्या आया है 1, और मेनली बात इसे सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड सेकंड में इसमें जो है कुछ है कि यदि हमारे पास एक्स प्लस वन सपोज दैट कुछ भी तुम ले सकते हो और इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है ना। तो अब यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर इसको ट्रांसफर करें तो यक्स ये इधर आएगा +1 और इसको इधर लाएंगे तो -x और ये -3, तो यक्स से तो यक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 -3 इज इक्वल टू 3 में से 1 गए -2, यहाँ तो -2 आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर जो है -2 आ तो रहा है, लेकिन -2 आ रहा है लेकिन यहाँ x जो है कैंसिल हो गया ना, x तो नहीं बचा है ना, इसलिए ये हमारा जो है क्या है इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये कहा जाए तो ये हमारा इसके लिए जो अगर सोल्यूशन जो होंगे तो हम इसको कहेंगे नो सोल्यूशन, है ना। इसको क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन, ओके, इसको नो सोल्यूशन कहेंगे।
इस टाइप्स के जो इक्वेशन होंगे जिनमें एक्स बचे ही ना कुछ, तो वो जो है हमारा क्या होगा, एक नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। और थर्ड जो स्टेप है इसका, थर्ड स्टेप, यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, और ये हमारी जो है हमारे एक इक्वेशन है। अब इसमें जो अगर आप देखेंगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन इज इक्वल टू वन बचेगा। तो इसमें कहेंगे सर इसमें भी तो एक्स नहीं बच रहा, ये कैसे जो है हमारा सोल्यूशन जो है होगा। तो होगा, क्योंकि देखिए अगर इसमें आप जीरो वन टू थ्री कुछ भी अगर तुम रखते हो, है ना, नंबर्स, तो ये हमारे जो है क्या आएंगे, इक्वल टर्म जो है प्राप्त होंगे, है ना। तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम जो है क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसके लिए क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक, यानी इसके जो है अनंत हल होंगे। ओके, तो इस प्रकार के जो है इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। एंड इसका जो फोर्थ स्टेप आता है, इसका जो फोर्थ स्टेप आता है वो है, मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, है ना। अब देखिए इसमें अगर तुम जो है इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और ये एक्स स्क्वायर जो उधर जाएगा तो काहे में जाएगा, रूट में, ठीक, प्लस माइनस वन, और x की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस वन और प्लस वन, यही होगा। सो अगर देखिए यहाँ पर हम जो है, हमने क्या कहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन जो है इसके लिए इसे सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर हम यहाँ वन रखते हैं, है ना, तो वन का स्क्वायर वन, तो वन वन जीरो, और जीरो अपान टू, तो अब जीरो अपान टू बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो गया, है ना, ये तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर हम माइनस वन रखते हैं, माइनस वन, तो ये हमारा टू अपान जीरो बचेगा, तो ये तो हमारा इनफाइनाइट होगा, है ना, यानी जो है नॉन डिफाइंड होगा, ये परिभाषित ही नहीं रहेगा। टू अपान जीरो है, जीरो अपान जीरो है, और इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट है, और जीरो इंटू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, ये सब क्या होते हैं हमारे, अपरिभाषित होते हैं, ठीक। सो इसके लिए मतलब जो रूट होगा वो वन तो होगा लेकिन माइनस वन नहीं होगा, ओके, माइनस वन नहीं होगा। सो इसलिए इसका जो आंसर होगा केवल क्या होगा, प्लस वन। ध्यान रखना अगर रूट आ रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो जो एक्स की वैल्यू फाइंड हो रही है वो हमारी उसमें जो है सेटिस्फाई भी होना जरूरी है, ठीक। अगर सेटिस्फाई हो रही तो उसका रूट है, अदरवाइज जो उसका रूट नहीं है, ठीक। और इसके बाद इसमें से पांचवा स्टेप आता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, है ना। तो यक्स वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, या तो यक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा या यक्स वाई दोनों जीरो होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आर लगा रहता, क्या लगा था, आर, यानी एक्स बराबर जीरो होगा, आर वाई बराबर जीरो होगा, और आर का मतलब होता है यूनियन। आर का मतलब क्या होता है, यूनियन, ध्यान रखना आर का मतलब
यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है पूरा जो है कॉमन आना चाहिए। यूनियन में आपने पढ़ा है जैसे हमारे पास एक्स दिया है ए बी सी एंड वाई दिया है बी सी डी ई, है ना। तो यूनियन अगर निकालेंगे तो यक्स यूनियन वाई, तो यक्स यूनियन वाई क्या आएगा, ऑल टर्म्स आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा। लेकिन इसमें यूनियन में क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू नहीं होती है ना, रिपीटेड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। सो ये आर का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो ध्यान रखना कभी ऐसा आ जाए तो मतलब आर का मतलब क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक। या तो यक्स जीरो होगा या तो वाई, या तो दोनों जो है जीरो होंगे, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है स्टेप है, मान लो सपोज दैट नेक्स्ट जो है इसको नोट कर लेना और समझना अच्छे से बेसिक जो है इसका। और MSc के बच्चे हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत तो इसमें समझते होंगे, और इंग्लिश UP PGT में जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है, सो इंग्लिश जानना ज़रूरी है और इंग्लिश में ही बोलेंगे कुछ वर्ड्स, और मतलब दोनों मिक्स रहेंगे और इसको अच्छे से जो है समझना। लेकिन ये नहीं कि अब जो है इसको तुमने पढ़ लिया लिख लिया, इसको जो है अच्छे से गौर करिए, मैं इसमें जो है बताना क्या चाहता हूँ, है ना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक पहले जो है समझ लो। यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, मान लो रूट यक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन है, है ना, या मान लो हमारे पास माइनस वन है, क्या है माइनस वन, तो यहाँ से अगर तुम इसका जो है स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ का, तो ये हमारा क्या बचेगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। सो इसमें अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो आया है, अगर जीरो हम यहां रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, जीरो माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस वन, और ये हमारा बचेगा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। सो देखिए ये जीरो जो यक्स की वैल्यू यहाँ से जीरो आई है, ये हमारी जो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, और ये रूट माइनस वन का आपने पढ़ा होगा, ये हमारा एक जो है इमेजिनरी पार्ट बन जाता है जो आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये जो है आयोटा की वैल्यू यानी आई इज इक्वल टू माइनस वन आया, तो ये हमारा जो है ये हमारा जो क्या होगा, कोई जो इक्वेशन नहीं होगा, है ना, यानी इसके लिए भी हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सोल्यूशन, इसके लिए भी हमारा नो सोल्यूशन होगा, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, और एक इसमें और ध्यान रखना बात, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो ये एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू तुम निकालोगे तो ये प्लस माइनस और अंडर रूट वन बनेगा, है ना। जब इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो डायरेक्ट स्क्वायर जैसे ही हटता है वैसे ही प्लस माइनस लगता है, लेकिन रूट वन का स्क्वायर मतलब वन होगा, रूट फोर की वैल्यू क्या होगी, टू होगी, रूट नाइन की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, इनमें कभी प्लस माइनस में आंसर नहीं होता, ठीक है। इस ऐसे जो है क्वेश्चनों में अगर स्क्वायर जो है इधर है और स्क्वायर को जस्ट उधर ट्रांसफर करो तो डायरेक्ट तुरंत जो है प्लस माइनस उसके साथ लगेगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं प्लस माइनस वन, ठीक, तो जो है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। या आप ऐसे लिख रहे हैं यक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल जीरो, तो यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन, फिर यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ये जो है भी रूल क्या है, गलत है। जैसे स्क्वायर हटेगा वैसे ही प्लस माइनस जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक।
तो ये हमारे जो है कुछ स्टेप्स हुए, एंड नेक्स्ट जो है इसके लिए देखेंगे स्टेप्स फिफ्थ जो है होगा ठीक। अगर माइनस में कोई वैल्यू है और रूट में है तो वो हमारी वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी, है ना, इमेजिनरी। लेकिन अगर हमारे पास अगर ये रूट एक्स है तो ओनली इसके लिए जो है हमारे पास जो नंबर्स आएंगे, जो हमारे पास जो है आंसर आएगा ओनली जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट जो है इसके लिए सिक्स टर्म, सिक्स स्टेप जो है, मान लो सपोज दैट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर मान लो दिया है ना, तो ये हम बता भी चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर होगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा और इधर तुरंत जो है प्लस माइनस, है ना। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, यानी एक्स की वैल्यू एक हमारी टू है और एक माइनस टू है। अब इसको जो है इसमें रखते हैं तो अगर यहाँ टू रखते हैं तो टू टू जब फोर में फोर गए जीरो, बिल्कुल जो है सेटिस्फाई हो रहा है। माइनस टू रखते हैं फोर में फोर गए जीरो, है ना। तो ये हमारा जो है क्या है, इसके लिए ये जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, इसके लिए हमारे ये क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। जो ये दो रूट्स आए हैं ये जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए जो है इसका जो है हल होगा ठीक। एंड नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर स्टेप सेवंथ, स्टेप सेवंथ। अगर हमारे पास जो है कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाए, मान लो इधर लिख रहा हूँ अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, है ना, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कहोगे सर एक्स माइनस टू आइए उधर जीरो में जाएगा तो जीरो हो गया, या वन माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर रहेगा ये इधर जीरो में जो है डिवाइड में गया तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो एक जो है टू आ गई, कितनी आ गई टू, लेकिन ये उधर जीरो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, है ना, एक्स की वैल्यू वन। अब देखते हैं ये सेटिस्फाई हो भी रहे हैं या नहीं। तो अगर यहाँ टू रखते हैं टू, तो टू में से वन जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस वन, है ना, टू में से वन जाएंगे तो माइनस वन, तो ये माइनस वन रूट और ये टू रखें टू में टू गए जीरो, तो ये जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो। तो सेटिस्फाई तो हो रहा है लेकिन ये जो हमारा क्या होगा, सलूशन नहीं होगा, है ना, ये हमारा सेटिस्फाई तो हो रहा है ठीक है, ये सही है लेकिन ये हमारा जो है इसका रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान रखना, हमारा जो आयोटा का रूल है वो क्या कहता है कि हम जो इसमें वैल्यू लें तो जो है एक्स बिलोंग, या ऐसे कह सकते हो एक या एक से छोटी या एक के बराबर होनी चाहिए, है ना। ये हमारा जो है हमें एक्स की वैल्यू यहाँ रखना है ठीक, तब जो है वो जा करके क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा ठीक, यानी एक ले ओ या एक से जो है छोटी ले ओ ठीक, तब जा करके जो है वो हमारा एक जो है आयोटा नंबर्स नहीं आएगा और ये जो है सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ हम टू रख रहे हैं जो कि एक से जो है क्या है, बड़ी है, तो सेटिस्फाई तो हो रहा है लेकिन जो है ये हमारा जो सलूशन इसके लिए ये जो है रूट्स नहीं होगा।
ध्यान रखना, ये पीजीटी और जो है ये नहीं मानती, इसका आंसर जो है टू नहीं मानती है पीजीटी, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू वन देखते हैं, ध्यान रखना ये बात, लिख लेना चाहे, अगर एक्स इज इक्वल टू यहाँ रखते हैं तो अगर माइनस वन, और माइनस वन का मतलब ये आई इंटू जीरो, तो जीरो तो हो रहा है, मतलब जीरो के बराबर तो आ रहा है ना, है ये हमारा यहाँ टू रखेंगे तो जीरो हो गया, तो ये आई इंटू जीरो तो जीरो तो हो रहा है, लेकिन हमारी पी जी टी जो है रूट्स को ऐसे जो सोल्यूशन को नहीं मानती है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए जो है टू इसका रूट नहीं होगा, वन रखेंगे तो वन वन जीरो, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, वन होगा, टू नहीं होगा। सेटिस्फाई होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे जो रूट के अंदर वैल्यू रहती है तो उसकी वैल्यू जो एक्स की लेंगे तो वन या वन से छोटी लेंगे, ठीक, तभी जो है वो उसका रूट सेटिस्फाई होगा। ध्यान रख, कोई दिक्कत यहाँ तक। एंड नेक्स्ट जो है इसमें अगला स्टेप, स्टेप एट्स, पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसमें केवल जो है अगर उसकी पावर जो है ओनली क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, इन पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, पावर मतलब पूरे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स है, अदरवाइज वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो कैसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना, तो ये तो हमारा जो है पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके। इसमें हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक, पावर में, लेकिन अगर कह दिया जाए और उसे वेरिएबल में होना चाहिए, वेरिएबल आप जानते हैं ए टू जेड, ठीक, अगर यदि वाई इज इक्वल टू टू अपान वाई है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई प्लस टू, ये वाई इनवर्स बन जाएगा। तो बताइए इसमें ये पावर क्या है, इनवर्स माइनस में, लेकिन हमने कहा क्या कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है, ओके। एंड सिमिलरली जो है और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस अंडर रूट x, तो x प्लस x पावर वन अपान टू बनेगा, तो ये देखिए पावर क्या है, वन अपान टू, लेकिन हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ओके, ये भी पॉलिनोमियल्स हमारे